एक्सरसाइज 8.2 थर्ड एंड फोर्थ, इसके आंसर में आंसर थर्ड, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 मीन्स 1/√2, सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है 3/2, ये कितना होगा 2/√3, राइट। कोसेक 30 डिग्री, जो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कोसेक 30 डिग्री कितना होगा 2 हो जाएगा, ओके। तो 1/√2, 2/√3, रूट थ्री एलसीएम ले लो, तो 2+√3 इक्वल्स टू 1/√2 और ये हो गया 1/√2 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2+√3, तो ये रूट थ्री हो गया, इसे इंटू कर लो तो 2√2 + 2√6, ये वाला बड़ा है स्पार्टिंग इंटू रूट थ्री 2√6 + 2√2, तो प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, तो रूट थ्री इंटू 2√6 + 2√2, ये माइनस से ऊपर नीचे इंटू कर लें 2√6 + 2√2 इंटू 2√6 - 2√2, यहां से तो कॉमन आ जाएंगे, 2 कॉमन आएगा 2√3, तो इसको एज इट इज रख लो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ इंटू होगा, तो 2√6 × 3 माइनस 2 × 3, 2 ये जो इसको इसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 3 माइनस 2√6, ये हो जाएगा 4 × 6 माइनस 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 12 आ जाएगी, तो 6√2 माइनस 2√6, और नीचे हो जाएंगे 24 माइनस 8, 2 कॉमन ले लो 3√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, ये जो है 16, इससे काट देंगे दैट विल बी 8, दैट विल बी 3√2 माइनस 2√6 अपॉन 8, ठीक है, प्रोनाउंस कर 30 डिग्री जो आंसर 4, आंसर 4, इधर शॉर्ट पार्ट इक्वल टू 5 30 डिग्री दैट विल बी हाफ, 10 45 दैट विल बी 1, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री दैट विल बी 2/√3, सेक 30 डिग्री दैट विल बी 2/√3, कॉस 60 डिग्री दैट विल बी हाफ, एंड कॉस 45 डिग्री दैट विल बी 1। नाउ यू कैन टेल इट गिव हाफ प्लस 1 2 × 3 चला गया, तो 3 बचा, प्लस 2√3 माइनस 2 × 2 चली गई 4, नेक्स्ट इज 2√3 4, this will be root 3, this will be 2√3 equals to, next part we have 2√3 + 2√3 that means 3√3
माइनस टू एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी 3√3 प्लस 4. नाउ वी हैव टू मेक रैशनलाइज़ इन द सेम 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 प्लस एक माइनस टेन टू करेंगे 3√3 माइनस 4 दिस विल बी 3√3 माइनस 4 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर दिस विल बी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर दिस विल बी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर दिस विल बी 9 इंटू 3 माइनस 16 After that, three root three, 9 into 3, that will be 27. That will be 3, 4, 12, 24. √3 plus 16. This will be 27 minus 16. 27 minus 16. That will be 11. And 27 plus 16, this will be 13. 6 plus 11, 13. Or this will be 43 minus 24. This will be the answer.